बोनी बेटियों पर सौतेली माँ का कहर। सरस्वती देखो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी इन दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम मेरी बहन हो और एक बहन अपनी बहन के बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करती है। दीदी आप भी कैसी बातें कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान आपको कुछ नहीं होने देगा, मैं भगवान से दुआ मांगूंगी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सरस्वती इतना कहती है कि तभी अचानक से सरोज अपना दम तोड़ देती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद सरस्वती और सरोज का पति धर्मेंद्र फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोना और टीना दोनों अभी बहुत ज्यादा छोटी थी, वह अपनी मौसी सरस्वती के पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ मासी माँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हमारी माँ हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई है? नहीं बेटी ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी माँ आज से आसमान में तारा बनकर रहेंगी। सरस्वती ऐसा कहकर रोते हुए टीना और मोना को गले से लगा लेती है। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ चली गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उस दिन के बाद से सरस्वती टीना और मोना की देखरेख करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी दौरान एक एक्सीडेंट के चलते सरस्वती का पति भगवान को प्यारा हो जाता है, जिसके बाद धर्मेंद्र सरस्वती से कहता है, मैं ये तो नहीं कहता कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, लेकिन जो भी हुआ अब उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी बड़ी बहन सरोज अब इस दुनिया में नहीं रही और इन दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी वो तुम्हें सौंप कर गई है, मैं भी इनके बिना रह नहीं सकता। तुम्हारा पति भगवान को प्यारा हो गया तो क्यों ना अब तुम मुझसे शादी कर लो, इन्हें एक माँ मिल जाएगी, मुझे एक पत्नी और तुम्हें एक परिवार। सरस्वती धर्मेंद्र की बात मान लेती है, जिसके बाद वह उसी से शादी कर लेती है। शादी के बाद सरस्वती टीना और मोना को बहुत प्यार करती, लेकिन जैसे ही उसे एक बेटा हो जाता है उसका प्यार उन दोनों बहनों के लिए खत्म हो जाता है और वो अपना सारा प्यार अपने बेटे को करने लगती है। ओ ले 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 ले, मेरा प्यारा बेटा, इस खिलौने से खेलेगा, ये ले खेल ले। सरस्वती अपने बेटे को खिला रही होती है कि तभी वहाँ टीना और मोना आती है। माँ हमें बहुत जोर से भूख लगी है माँ। हाँ माँ आपने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ बना दीजिए हमारे लिए। हाँ हाँ यहाँ तो तुम्हारे बाप ने अनाज का गोडाउन खोल रखा है, अरे इतना पेट में जाता कहाँ है, जरा सा पेट है और दिन भर खाती रहती हो, अब तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है, जाओ और जाकर घर का काम करो। सरस्वती के कहने पर दोनों बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और मायूस होकर बेचारी काम करना शुरू कर देती है। मोना माँ हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों करती है? क्योंकि हम उनकी असली बेटियां नहीं है, हम उनकी सौतेली बेटियां हैं और वो हमारी सौतेली माँ है, अगर वो हमारी असली माँ होती तो ऐसा नहीं होता। तभी टेबल पर डस्टिंग करते हुए टीना के हाथों से फ्लावर पॉट नीचे गिरकर टूट जाता है। टूटने की आवाज से सरस्वती तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और फ्लावर पॉट को टूटा हुआ देख आग बबूला हो जाती है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है इस घर की बर्बादी करने के अलावा, जब देखो घर की महंगी महंगी चीजों को तोड़ती रहती हो, आज तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, रुको तुम। सरस्वती ऐसा कहकर अपने कमरे से एक डंडा लेकर आती और बेचारी टीना और मोना को डंडे से मारना शुरू कर देती है। वो दर्द में खूब चिल्लाती है, लेकिन इतना चिल्लाने के बाद भी सरस्वती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा अगर कोई भी चीज टूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद से सरस्वती मोना और टीना का स्कूल छुड़वा देती है, जिसके बाद मोना और टीना दोनों घर में काम करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वह दोनों बड़ी हो जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हाइट नहीं निकलती और वो दोनों बौनी रह जाती, जिसकी वजह से उनका सौतेला भाई हमेशा उन्हें बौना बौना कहकर चिढ़ाने लगता है। बौने होने से अच्छा होता कि तुम दोनों मर जाती, अरे कम से कम मेरे पिताजी तुम्हारी शादी के चलते इतने परेशान तो न होते। पता नहीं ये दोनों मनहूस इतनी बौनी कैसे रह गई, कोई इन्हें पसंद करता ही नहीं। सरस्वती एक तो सौतेली, ऊपर से दोनों को बौने होने के ताने देती। एक दिन वह दोनों सरस्वती के पास आकर कहती हैं, माँ हमारी सहेली फुलवा की शादी है, हमारे लिए नए कपड़े खरीद दीजिए, ये वाले कपड़े फट गए हैं और पुराने भी हो गए हैं। तुम दोनों को शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी बौनी लड़कियों को देखकर हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सरस्वती की बात सुनकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं और रसोई में काम करते हुए एक दूसरे से कहती हैं, आज अगर हमारी माँ जिंदा होती तो शायद ऐसा ना होता, वो हमें नए कपड़े दिलाती और कभी भी हमारी हाइट का मजाक ना उड़ाती, ऊपर से हम पिताजी से भी कुछ नहीं कह सकते, अगर हमने उन्हें कुछ भी कहा तो हमारी सौतेली माँ हमारे ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करेंगी। दोनों बहनें बहुत ज्यादा मजबूर होती हैं, वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन धर्मेंद्र सरस्वती से आकर कहता है, मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ते देखे हैं,
कुछ ही समय में मैं उन दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। साथ में उन्हें दहेज में खूब सारा सोना चांदी और फर्नीचर भी दूंगा ताकि मेरी बेटियां कभी परेशानी में न रहें। सरस्वती के मन में ये सुनते ही खट्टापन आ जाता है। अगर सारा अपनी इन बौनी बेटियों की शादी में ही लुटा देंगे तो मेरे बेटे की शादी और उसके करियर के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों की शादी एकदम गरीब परिवार में करूंगी। सरस्वती ऐसा सोचकर उस दिन के बाद से ही रिश्ता तोड़ने पर अड़ जाती है। किसी न किसी बात की वजह से वह अमीर घराने के लड़कों से अपनी दोनों सौतेली बेटियों का रिश्ता तोड़ देती है, जिसके बाद वह गरीब घर के दो लड़कों से अपनी दोनों सौतेली बौनी बेटियों की शादी करवा देती है। वहीं मोना और टीना की शादी के बाद सरस्वती अचानक से बीमार पड़ने लगती है और इस दौरान रोहित उसका जरा भी ख्याल नहीं रखता। वो बेचारी अपने कमरे में ही सारा सारा दिन पड़ी रहती। हे भगवान, मुझसे तो एक गिलास पानी तक नहीं लिया जा रहा। धर्मेंद्र जी भी ऑफिस चले गए और ऊपर से रोहित भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी रोहित उसके कमरे में आता है। माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटा, पैसे तो केवल मेरी दवाई के लिए ही रखे हैं, उसके अलावा मेरे पास और कोई पैसे नहीं है। अरे, आपको दवाई खाने की जरूरत ही क्या है? अब आपकी उम्र हो गई है, जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया को छोड़कर चलती बनो। ऐसा कहने के बाद रोहित अपनी माँ के पर्स से पैसे निकालता और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सरस्वती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों सौतेली बेटियों को याद करने लगती है। वो भी एक टाइम था जब मेरी सौतेली बेटियां मुझे हमेशा अपनी माँ समझकर मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, लेकिन ये तो मेरा खुद का खून होते हुए भी मेरा ख्याल नहीं रखता। मैंने उन दोनों के साथ बहुत अत्याचार किए और उनकी हाइट का मजाक भी उड़ाया। आज अगर वो दोनों मेरे सामने होती तो मैं उनसे माफी मांगती। तभी वहाँ धर्मेंद्र अपनी दोनों बौनी बेटियों को लेकर आ जाता है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आज से तुम दोनों इनकी सेवा के लिए यहीं रहोगी। मैंने तुम्हारे ससुराल में बात कर ली है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये देखकर सरस्वती को बहुत खुशी मिलती है। वो उसी समय अपनी दोनों सौतेली बेटियों से माफी मांगती है, जिसके बाद वो उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकारती है। मोना टीना भी अब सरस्वती की देखरेख बिल्कुल अपनी माँ की तरह करती हैं, जिसके बाद वह अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। आ भाई वाह, कितने स्वादिष्ट मीठे मेवे बने हैं और मखाने हैं, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। अरे, इस समय कौन कमबख्त आ गया? शीला जैसे ही दरवाजा खोलती तो उसके सामने उसके बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। आ गए मेरे लाल, मगर तुम्हारे साथ ये लड़कियाँ कौन है? ये हमारी पत्नियां हैं और आज से आपकी बहू। ये सुनकर अंदर ही अंदर शीला का खून खौल उठता है। असल में वो आनंद और उसके चारों भाइयों की सौतेली माँ थी। तभी शीला झूठ मूठ का दिखावा करते हुए कहती है, अरे वाह, बहू तो एकदम चांद के टुकड़े जैसे ढूंढ कर लाए हैं मेरे बेटे। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। शीला आरती की थाली और 5 कलश लाकर अपने 5 बहुओं के सामने रख देती है और उनकी आरती उतार कर कहती है, मेरी 5 बहुरानियों, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके घुंध के अंदर आ जाओ। माँ, हमें तो लगा था कि आप हमारे इस फैसले पर तुम हमसे नाराज होगी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। तुम खुश हो, मुझे और क्या चाहिए? मेरी बहुरानियाँ थक गई होंगी, इन्हें कमरे में ले जाओ। अपनी सौतेली सास का स्नेह भरा स्वागत पाकर 5 बहुओं की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि ये महज एक दिखावा है। अगले दिन अपने बेटों के काम पर जाने के बाद शीला कहती है, रेखा, किरण, गौरी, आरती, कविता, कहाँ हो बहुरानियों? जी माँ जी, बुलाया। माँ जी की मक्खन बाजी से काम नहीं चलने वाला, जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पूरी रसोई गंदे बर्तनों से भरी हुई है और घर भी इतना गंदा पड़ा है, इसे क्या तुम्हारा बाप साफ करेगा? अब घड़ी घड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, काम पर लगो। अपनी सास का बिगड़ा लहजा और बुरा मिजाज देखकर 5 बहू चुपचाप काम करने लगती हैं। शीला सारा दिन सौतेलापन करते हुए अपनी 5 बहुओं से काम कराती है और जैसे ही वो देखती है कि उसके बेटों के आने का वक्त होता है तो वो उन्हें डरा धमका कर रखती है। तभी एक दिन घर लौटते वक्त 5 बहू के पतियों की मौत हो जाती है और वो सभी विधवा हो जाती है। रेखा, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। पता नहीं ऊपर वाले को हमसे हमारा पति छीनकर क्या मिल गया। तभी शीला अपनी 5 सौतेली बहुओं की कलाई को कसाई की तरह पकड़कर उनकी चूड़ियों का पत्थर पर मार मार कर तोड़ने लगती है। मेरी चूड़ियां मत तोड़िए माँ जी, ये मुझे संदीप जी ने ला कर दी थी। एक विधवा की कलाइयों में चूड़ियों का कोई काम नहीं है। ये कहकर शीला कसाई की तरह बारी बारी करके अपनी 5 विधवा बहू की चूड़ियों से भरी हथेलियों को पत्थर पर पटक पटक कर उनकी चूड़ियां तोड़कर उनकी मांग का सिंदूर भी मिटा देती है। तभी लालची शीला की नजर अपने 5 बहुओं के गले में पहने हुए सोने के मंगलसूत्र पर जाती है।
यही सही मौका है जब मैं अपनी पांचों विधवा बहू के गले से इनके सोने के मंगलसूत्र छीन लूं। लाओ ये मंगलसूत्र मुझे दे दो। माँ जी, हम आपके आगे भीख मांगती, हमसे हमारा मंगलसूत्र मत छीनिए, ये हमारे पतियों की आखिरी निशानी है। तुम पांचों मनहूस ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मैं तुम पांचों से तुम्हारा मंगलसूत्र भी छीन लूंगी। ये कहकर सौतेली माँ शीला बड़ी ही बेरहमी से अपनी विधवा बहुओं के गले से उनका मंगलसूत्र खींच लेती है, जिसे उनके गले छिल जाते हैं। अपने पतियों को खो देने के बाद पांच बहुएं सारी रात फूट फूट कर रोती हैं। ऐसे ही देखते देखते दो दिन बीत जाते हैं। माँ जी, हम पांचों को बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। खाना तो दूर, मैं तुम पांचों को चूल्हे की राख भी ना दूं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी, अपना जूठा खाना ही दे दीजिए, मैं वही खा लूंगी। गौरी अपनी सौतेली सास के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर शीला उसे खाना नहीं देती। लगातार भूखा रहने के कारण गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी किरण कहती है, माँ जी, गौरी की हालत पर तरस खाइए, थोड़ा खाना दे दीजिए। तुम सभी को खाना मिलेगा, मगर पहले तुम्हें पूरे घर की साफ सफाई करनी होगी, उसके बाद। ये कहकर शीला मेज पर बैठी बैठी मजे से मेवे और मखाने खाने लगती। वहीं बेचारी गरीब विधवा बहू भूखी प्यासी घर का काम करती है। हम सभी ने सारा काम कर दिया है माँ जी, अब हमें थोड़ा खाना दे दीजिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं लाती हूँ। फिर कंजू शीला रसोई में से रात की बची बासी रोटियां और प्याज के टुकड़े थाली में रखकर अपनी विधवा बहू के सामने लाती है। भूख लगी थी ना, ये लो खाओ। इन रोटियों में से तो बदबू आ रही है माँ जी, ये रोटियां तो खराब हो गई हैं, इसे कैसे खाएंगे, और इसके साथ कोई सब्जी भी नहीं है। आहा, जुबान के चटकारे लगाना बंद करो, तुम पांचों विधवा हो और एक विधवा का खाना प्याज और रोटी ही होती है। अगर तुम्हें ये खाना है तो खाओ, वरना इस खाने के लिए गली में बहुत से कुत्ते हैं। नहीं माँ जी, हम ये खाएंगे। सौतेली सास के अत्याचारों के कारण पांचों विधवा बहु मन ही मन घुटते हुए रात का बासी और खराब खाना खाती हैं। 17 दिन ढल जाते हैं। शीला अपनी लाचार विधवा बहुओं के साथ ऐसे ही जुल्म ढाती रहती है। वो सारा दिन उन्हें अपने इशारों पर नचाती रहती और उनसे काम करवाती, और उसके बाद भी वो उन्हें दिन भर में एक ही बार खाना देती। तभी एक दिन वो पांचों मंदिर से पूजा करके घर लौट कर आती हैं। माँ जी, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हम पांचों में से किसी के पास भी चप्पल नहीं है, हम सभी की चप्पल घिसकर टूट गई है, और गर्मी के कारण जमीन बिल्कुल तवे की तरह तप रही है, हमारे लिए चप्पल खरीद दीजिए ना। आहा, तुम क्या महलों की रानी आ रही हो, या तुम्हारे मायके वाले मेरे पास मनी ऑर्डर भेजते हैं? एक तो मेरे सोने के अंडे देने वाले सौतेले बेटों को खा गई, और अब मैं तुम्हारे लिए चप्पल खरीदूं? अरे मैं तुम्हारे लिए चप्पल तो नहीं, मगर हाँ तुम्हारे चिता के लिए लकड़ियां जरूर खरीद सकती हूँ। तुम मर जानी, मरो तो सही। हर रोज तुम विधवा को नहाने के लिए सर्फ साबुन और बालों के लिए तेल चाहिए, आज मैं तुम्हारे बाल ही काट दूंगी, वैसे भी विधवाओं के पास बालों का कोई काम नहीं। ऐसा कहते हुए शीला अपनी विधवा बहू के बाल काटने वाली होती, तभी राका और उसके गुंडे घर आ जाते हैं। क्या कर रही हो शीला, इतने सुंदर बाल काटने का तुम्हारा दिल कैसे चाहता है, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। राका शीला को साइड में ले जाकर उससे कुछ बात करता है। तभी शीला की आंखें लालच से चमक उठती हैं। मुझे ये सौदा बिल्कुल मंजूर है, वैसे भी मेरी पांचों विधवा बहू मेरे किसी काम की नहीं। सौतेली शीला पैसों के लिए अपनी विधवा पांचों बहुओं का सौदा कर देती है। तभी राका और उनके गुंडे लाचार बहुओं को लेकर जाने लगते हैं। चलो मेरी लैला, आज से तुम मेरी जागीर हो। नीच कमीने, कहां लेकर जा रहा है तू हमें, छोड़। माँ जी बचाइए, माँ जी हमें मत बेचिए। शीला अपनी बहू की आवाज को अनसुना कर देती है और पैसे गिनने लगती है, और वो ये देखकर दंग रह जाती है कि सारे नोट असल में जाली हैं। अरे और राका भाई, मैं कहती हूँ रुको, चोर के घर चोरी, जाली नोट देकर शीला को ठगते हो, मैं अपनी विधवा बहू को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी, छोड़ो इन्हें। अचानक राका शीला को एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, ये पांचों तो मेरे साथ जाएंगी, चाहे इनको लेकर जाने के लिए मुझे तेरी लाश पर से ही क्यों न जाना पड़े, लालची बढ़िया। कमीने, तूने हमारी माँ जी को मारा, तूने औरत को कमजोर समझने की बहुत बड़ी भूल की है, औरत माँ दुर्गा है और माँ काली भी। अचानक पांचों बहुएं शक्ति से भर जाती हैं और साथ मिलकर उन सभी को हार की धूल चटाती हैं, और पांचों विधवा बहुएं उन्हें बहुत पीटती हैं, जिसके बाद वो डरकर भाग जाते हैं। माँ जी, आप ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं? अपनी पांचों विधवा बहू के मन में अपने लिए प्यार और अपनापन देखकर शीला अपनी करनी पर पछताते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहती है, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सभी के साथ इतना सौतेलापन किया, तुम पर इतने जुल्म ढाए, और आज तुम्हारा सौदा भी करना चाहा, मुझे खुद पर घिन आ रही है। माँ जी बीती बातों को भुला दीजिए, आप हमारे लिए आज भी हमारी माँ हैं और हमेशा रहेंगी। ये कहकर पांचों विधवा बहू अपनी सौतेली सास के गले लग जाती हैं, और शीला अपनी विधवा बहुओं की सफेद रंग में सिमटी उदासी भरी जिंदगी को बदलाव देकर अपनी विधवा बहू का घर बसाकर उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर देती है।